हाय दिस इज रंजीत, आई एम हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी एंड को ऑथर ऑफ द बुक विनिंग इट टुगेदर। जैसे आपको पता है कि हम डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल्स को अपने इस पॉडकास्ट में दावत देते हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है अपनी इंडस्ट्री में और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी फ्रेटर्निटी के अंदर। तो आज हमने एक ऐसे मेहमान को दावत दी है जिनका ताल्लुक एचआर फ्रेटर्निटी से है, उनका नाम है सबा हसन। सबा हसन का ताल्लुक मुस्तकीम इंडस्ट्री से है जिनका ताल्लुक है गेटरनोवा पाकिस्तान। और इसके अलावा जो मैडम सबा हसन है इनका तालीमी दुनिया से बड़ा ज़बरदस्त लगाव है। जब मैं इनकी बहुत सारी चैनल्स पे काम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म और एक मौका दिया जाए ताकि ये लोग आने वाले यंगस्टर्स को ये बता सकें कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं या जो मौके हमें नहीं मिले थे, बड़े देर से मिले थे, आप उनको जल्दी कैसे ग्रैब कर सकते हैं। सबा हसन ने ऑलरेडी काम किया हुआ है एज अ टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो ओडी के अंदर आता है, और इसके अलावा इन्होंने इम्प्लॉई रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे भी बहुत खासा काम किया है। इनकी डेजिग्नेशन है हेड ऑफ एचआर इन ओडी और बहुत पावरफुल काम कर रही है। और मजीद मैं नहीं बताऊंगा, इनकी बहुत पावरफुल जर्नी है जो अभी नहीं बताएंगे हम क्लिप टू के अंदर। आपसे कहेंगे ये कंप्लीट देखें, उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा इनके साथ उसमें हम इनकी नई जर्नी के हवाले से बात करेंगे। सबा हसन, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। दिल से मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे शो में आई। और मुझे आज भी याद आई तकरीबन 2018 में आपकी मेरी मुलाकात मार्टिन डाओ के अंदर हुई थी। हम रियली इस शो के थ्रू शाहरुख सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि आप लोगों को हम इनवाइट करें, और वहाँ से जो सिलसिला चला और आज जिस इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ मैं, जस्ट बिकॉज दी उबेद बिमला साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, वो इनकरेज करते हैं कंट्रीब्यूशन को, तालीम को बहुत इनकरेज करते हैं। दैट्स वाई वी आर हियर एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन द रंजीत कुमार शो। सबा, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि सबा ने एक्सीडेंटली शुरू किया था या प्लान करके आई थी, या फिर जो मिलता गया आपने कहा चलो ठीक है जैसे जिंदगी चल रही चल रही। हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द एचआर? यस आदि, थैंक यू सो मच रंजीत फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पावर पैक शो, द रंजीत कुमार शो। एंड इट्स समथिंग लाइक ए ड्रीम कम ट्रू के आप जैसी पर्सनैलिटी साथ, बिकॉज आई वेरी ऑफन सी यू ऑन लिंक्डइन एंड ऑन सो मैनी प्लेटफॉर्म। यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर द एचआर प्रोफेशनल्स एंड लाइक माई सेल्फ। जिस तरह आपने बात की, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो बहुत सारी चीज़ें प्लान थी और बहुत सारी चीज़ें अनप्लान थी, बिकॉज हम जैसे जो लोग होते हैं जो कि थोड़ा करियर ओरिएंटेड होते हैं और चैलेंज लविंग होते हैं, तो उनके लिए हर चीज़ दैट डजेंट वर्क लाइक एवरीथिंग के भाई वो प्लान करके चलें। सो एज़ फार एज अ चैलेंज इज़ कंसर्न, तो सबसे पहले तो मैं अपने एकेडेमिक क्रेडेंशियल से स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपना पहला मास्टर्स किया था फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ये मैंने उस वक्त ऑप्ट किया था कि जिस वक्त लोग जानते ही नहीं थे कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है और उसका स्कोप क्या है इस पाकिस्तान में क्या है। ग्लोबली तो इट्स लाइक वेरी रिकग्नाइज्ड फील्ड। सो मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्रॉप करके आई सिक्योर्ड लाइक अबाउट 86% इन माई SSC एग्जामिनेशन। वहाँ से वो मैंने जो एक चैलेंज को ऑप्ट किया अपने लिए कि आई विल गो टू सम फील्ड जो कि मेरी जो एक थर्स्ट है या जो एक पैशन है उसको फुलफिल करे, तो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंटली। वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुआ फूड टेक्नोलॉजी का, हैविंग द एप्टीट्यूड इन द इंजीनियरिंग एंड साइंस फील्ड, सो बिकॉज यू नो फूड इज ऑल्सो साइंस फॉर फीमेल्स एंड ऑल। तो वहाँ से आई सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन दैट फील्ड इन द मास्टर्स प्रोग्राम, एंड आई सिक्योर्ड यू नो टू मेजर रिवॉर्ड्स फॉर फ्रॉम देयर। एक तो ये कि फैकल्टी ऑफ साइंस जो कि 10,000 से 20,000 स्टूडेंट्स पे कंप्राइज होगी, उस वक्त 10,000 थे, शायद अब ज़्यादा हो गया। सो आई ऑल्सो सिक्योर्ड थर्ड पोजिशन इन दैट फैकल्टी ऑफ साइंस, होल फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसमें बायो केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड देर वर सो मैनी डिपार्टमेंट्स। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम जियो ग्रुप ऑफ कंपनीज। वहाँ पे एक फूड का एक शो लॉन्च हो रहा था बैक इन लाइक 2002, सो आई वाज लाइक हायर्ड इन देयर रिसर्च कमेटी, एंड आफ्टर सर्फिंग देयर फॉर अबाउट लाइक 2 years आई जॉइन द कपोला ग्रुप ऑफ कंपनीज एज इन लाइक क्वालिटी ऑडिटर, एंड आई वाज द फर्स्ट क्वालिटी ऑडिटर एज अ फीमेल। मैंने ज्वाइन किया एंड आई ऑल्सो टुक एज अ चैलेंज बिकॉज दैट वॉज एन फील्ड जॉब, आउटडोर जॉब। सो वहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी ऑडिटर के तौर पर काम किया एंड आई गॉट 2 promotions देयर। उसके बाद जो है वो जर्नी स्टार्ट होता रहा, चलता रहा, फिर ऑफर्स आती रहीं, देन आई जॉइन द इफको पाकिस्तान विच वॉज लॉन्च फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दैट टाइम।
सो इस तरह की चीज़ें मेरी करियर में डेफिनेटली हैं जो कि फर्स्ट आई हैव बीन लाइक फर्स्ट टाइमर इन सो मेनी थिंग्स. तो चैलेंज टेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. और ये जो चैलेंज की जो आदत है, मुझे लगता है कि आपको अच्छी परवरिश से आई होगी और अपने पेरेंट्स से ज़रूर आई होगी. हम ज़रूर इस पर बात करेंगे आपसे. अच्छा सबा, जैसे आपने कहा कि फूड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद MBA यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन HR की फील्ड को आपने ऑप्ट किया, कहीं वियर्ड नहीं है अचानक से फूड टेक्नोलॉजी टू HR? ये कौन सा लॉजिक बनता है, या फिर किसी से इंस्पिरेशन थी तो किससे और कैसे? जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा कि फूड टेक्नोलॉजी में काम करने के बाद भी पाकिस्तान में फीमेल्स के लिए वो स्कोप भी है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क इन लाइक प्रोडक्शन साइड. प्रोडक्शन में जाना हो, लोगों से बात करनी हो, लेबर से डीलिंग करनी हो, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, क्वालिटी. उस वक्त फीमेल्स का ये था कि वो सिर्फ क्वालिटी में ही जॉब कर सकती थी किसी भी मैनुफैक्चरिंग कंपनी में. आई एम टॉकिंग लाइक अबाउट दैट टू डेकेड्स हैव पास्ड, लाइक वन आई डिड माय फर्स्ट मास्टर. अभी भी अगर फार्मा में देखेंगे मेजोरिटी आपको खवातीन उसमें ज्यादा रेशो मिलेगा, उसमें जिसमें पैकिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, अभी भी ऐसा है. लेकिन यू हैव प्रूव्ड क्या वैसा नहीं है कि जमाना बदल चुका. एग्जैक्टली. तो आई वांटेड टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन साइड, और जहां मेरे दूसरे बैचमेट्स काम कर रहे थे एंड दे वर एक्सेलिंग इन देयर फील्ड, राइट? मुझे भी उस फील्ड में एक्सेल करना था, लेकिन मैंने देखा स्कोप ही नहीं है पाकिस्तान में. सो आई जस्ट वांटेड टू थिंक अबाउट कि मैं कौन सी ऐसी फील्ड है जहां एक्सेल कर सकती हूं, मेरा इंक्लिनेशन, मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है. सो HR को बहुत क्लोजली मुझे देखने का मौका मिला. मेरी कुछ कॉलीग्स और पेयर्स थे जो कि कपोला पाकिस्तान में थे, जो हेड ऑफ HR थी, उनके साथ काम करने का थोड़ा मौका मिला. सो मुझे वो फील्ड ने काफ़ी इंस्पायर किया, बिकॉज दैट वॉज वेरी नियर टू पीपल एंड पीपल मैनेजमेंट, एंड आई वॉज लाइक बिट ऑफ एक्सट्रोवर्ट, तो पीपल मैनेजमेंट और पीपल डीलिंग, इंटरपर्सनल्स अच्छा लगता था, लोगों से बात करके उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करके और इस तरह की चीज़ें. बिल्कुल ऐसा ही. सो मुझे लगा कि HR इज़ अ फील्ड. मार्केटिंग से भी मेरा काफ़ी रिलेशन रहा है चीज़ों में लोगों से बात करना, बट मुझे लगता था कि HR इज़ अ फील्ड कि जहाँ जाके आई कैन बी बेस्ट सूटेड फॉर दैट, राइट और मैं वहाँ एक्सेल कर सकती हूँ, अपना करियर ग्रो कर सकती हूँ. When I was in IFCO पाकिस्तान, so I just requested them कि मुझे अब BDM या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आई वर्क फॉर देम, तो वहाँ से मुझे आप जो है वो एक मौका दें HR में काम करने का. माई डायरेक्टर HR वॉज यू नो kind enough कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया and he transferred me to HR. That और कौन सी designation लिया आपने IFCO पाकिस्तान के अंदर? That was my designation was Comp and Ben Executive. That time, Comp and Ben Executive. Because my figures were very, you know, I was from engineering and science background, so my maths calculation and quick maths was very good. So. तो वहाँ से सबा हसन ने मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा और बन के दिखाया head of HR. पहले वो लोकल प्रैक्टिस करती थी और बनी ग्लोबल प्रैक्टिशनर. उस सफर के लिए हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं सुनने के लिए. लेकिन अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आते हैं मजीद आपकी जर्नी और आपके करियर के हवाले से बात करते हैं. थैंक यू सबा. थैंक यू वेरी मच.